चैनल द निटिंग एक्सपर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यह बुनाई डालना सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और जल्दी जल्दी बनती है। इसमें ऊन भी बहुत कम लगती है। इसको आप गर्ल्स टॉप, शॉल, बेबी फ्रॉक, स्टॉल वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। इसको बनाना सीखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम बनाना सीखें। इसके लिए मैंने पहले से ही कुंदे डाल रखे हैं। देखिए पहला फंदा ऐसे ही निकालना है, एक फंदा बुने, उसी सेम फंदे में से पीछे की साइड से एक और फंदा बनाएं, दो फंदों का एक करें, ऊन को अपनी साइड लाएं, फिर से दो फंदों का एक करें, ऊन अपनी साइड लाएं, दो फंदों का एक बनाएं, सेम रिपीट करते जाएं। ऐसा तब तक करें जब तक हमारे पास चार फंदे लास्ट में ना बचे। उनको आगे लाएं, एक फंदा सीधा बनाएं, दो फंदों का एक करें, एक ऐसे ही बुन ले। नेक्स्ट रो में देखिए क्या करना है। ये हमारी उल्टी साइड है और दूसरी सिलाई है। इसमें तीन फंदे, एक फंदा ऐसे ही उतारें, दो, तीन फंदे सीधे बने जब तक हमारा ऐसे घुमाव वाला धागा ना आ जाए। ऊन को अपनी साइड लाएं और दो का एक बनाएं। पूरी रो सीधी ही बुननी है, उल्टा कुछ नहीं बुनना। ऊन अपनी साइड लाएं, दो फंदों का एक बनाएं, ऊन अपनी साइड लाएं, दो फंदों का एक बनाएं। इसी प्रकार आप अपनी पूरी सिलाई बना लें। लास्ट में हमारे तीन फंदे बचे हैं जिसको आप सीधा ही बुनेंगे। ये हमारी दूसरी रो भी पूरी हो गई है। कितना आसान तरीका है और हमारा हल्का हल्का डिज़ाइन बनने लगा है। नेक्स्ट रो में देखें हम फिर से। पहला फंदा ऐसे ही उतारें, दूसरे फंदे को एक बार आगे से बनाएं, सेम उसी फंदे में एक बार पीछे से बनाएं, एक फंदे में से दो फंदे बना लें। ये बन गए हमारे दो फंदे। फिर दो का एक बनाएं, सेम ऊन आगे लाएं और पूरी रो इसी प्रकार बना लें। लास्ट में हमारे चार फंदे बचने चाहिए। ये हमारे चार फंदे बचे हैं। उनको आगे लाएं, एक सीधा बनाएं, दो का एक बनाएं और एक सिंपल सीधा बुन लें। ये हमारी थर्ड रो भी पूरी होगी। कितना आसान है ना बनाना। सेम रिपीट करेंगे। उल्टी साइड में तीन फंदे सीधे बुने,
ऊन अपनी साइड लाए, दो का एक बनाए। ऊन अपनी साइड लाए, दो का एक बनाए। ऐसा तब तक करना है जब तक हमारी लास्ट में तीन फंदे ना बचे। देखिए, ऊन को घुमाते हुए सीधा बुनना है। हमारे तीन फंदे बचे हैं, उनको सीधा बनाना है। ये देखो कितनी जल्दी हमारा डिजाइन भी बनने लगा है। ऐसे ही सेम रिपीट करते जाएं। ये मैंने पतली ऊन ली है, स्टॉल बना रही हूँ। ये देखिए बहुत पतली ऊन है। इस ऊन के अकॉर्डिंग देखिए, टॉप में आप मोटी ऊन यूज करें और स्टॉल शॉल में आप क्रोशे वाली ऊन यूज करें। थैंक यू, बाय बाय।